हमारा फाइनली दीदी को दिखा के हो गया है सर। अभी पता नहीं देख के कैमरे में ऐसा क्यों मूवी आती है जैसे बहुत ज्यादा सीरियस है, ऐसा कुछ है नहीं कि सीरियस है ये। हाँ तो दबा हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। और अभी बज रहे हैं शाम के 7। अभी मैं नहा धो के पूजा पाठ करके बिल्कुल टिप टॉप बन के रेडी हूँ। अभी हम लोग जाने वाले हैं थोड़ा मार्केट, क्योंकि हमें बाहर से सामान लेना है और मेरी दीदी का गला खराब हो गया है तो उसको डॉक्टर को भी दिखाना है, तो हॉस्पिटल भी जाना है। एक्चुअली आज दिन की ना शुरुआत काफी अच्छी रही मेरी, मैंने ज्यादा कुछ तो किया नहीं, बट मैं सुबह उठा, देन मैं जाके नाश्ता लेके आया, हमने नाश्ता वगैरह किया। सुबह नाश्ता बाहर का नाश्ता मिल जाए तो फिर अच्छा ही है, घर का मिल जाए तो भी अच्छा है, बाहर का मिल जाए तो फिर क्या ही चाहिए। और फिर मेरा क्लब था तो फिर मैं वहां गया, खेल के आया, अभी जस्ट नहा धो के एकदम रेडी हूँ। अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं। आज काफी मजा आया, आज का दिन काफी अच्छा रहा मेरा। मेरी दीदी की जो तबीयत खराब है तो बेचारी कुछ बोल नहीं पा रही क्योंकि उसका गला ही बैठ गया है। स्वाति से हाय, से हाय। तो आप देख सकते हैं इसका फेस देख के आपको पता चल ही गया होगा कि बीमार है। एक्चुअली बीमार नहीं है, गला ही खराब है उसका, बीमार उमार नहीं है कुछ, ऐसे ही लड़कियों को तो पता ही आपको कि थोड़ा सा रहता है तो कितना। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं आगे का जो भी चीजें हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं मार्केट। गाइस मुंबई में ना रात में ब्लॉगिंग करना मतलब इतना टफ नहीं है क्योंकि लाइट्स हैं, मतलब ऑल जो प्लेसेस हर जगह लाइट है। बट आप कहीं और अगर ब्लॉगिंग कर रहे हैं दूसरे सिटी में या फिर कहीं पे, तो वहाँ पे आप नाइट में ब्लॉगिंग नहीं कर सकते, आप दिन में कर सकते हो। और आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा है, मतलब हवा चल रही है थोड़ी थोड़ी। अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, तो आप देख सकते हैं पेशेंट आगे आगे चल रहा है, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ हमेशा की तरह। सामने हॉस्पिटल का गेट है। सो गाइस, कस्तूरबा हॉस्पिटल अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, काफ़ी ग्रीनरी है और काफ़ी ही साफ सुथरा हॉस्पिटल है ये। मतलब पत्ते दिख जाएंगे बट आपको कूड़ा कचरा नहीं दिखेगा। सो गाइस, हम लोग कुछ दिन बाद आ चुके हैं डॉक्टर की लाइन में। हमारा नंबर अभी 2-3 लोगों के बाद है, तो अभी हम वेट कर रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। तो अभी हम जस्ट बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं मेरी दीदी सामने बैठी हुई है, तो अभी हम वेट कर रहे हैं। गाइस, ये हॉस्पिटल डेंगू मलेरिया और बुखार के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। एक्चुअली ये इसमें क्या है, ज़्यादातर जो बीमारीज हैं उनका रोग मतलब इलाज होता नहीं है, तो ये मलेरिया डेंगू और बुखार के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और अगर आप इसमें एडमिट हो गए एक बार तो आपको बहुत साल तक कुछ भी नहीं होने वाला। एक्चुअली मुझे 2019 या फिर 18 में डेंगू हुआ था, तब मैं यहाँ पर एडमिट था, तो बस 8-10 दिन एडमिट था। उसके बाद मुझे 1-2 साल तक कुछ हुआ ही नहीं। मतलब यहाँ देते हैं खाने में, खाना देते हैं हमको, दूध देंगे, उसमें पता नहीं क्या मिक्स कर देते हैं, बट बहुत ही सही रहता है। मतलब आप 1-2 साल आपको कुछ नहीं होने वाला, इसकी गारंटी तो है। तो ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप यहाँ पे आके एडमिट हो जाओ, ऐसा नहीं है मेरा कहना, बट ये डेंगू और मलेरिया और बुखार के लिए बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है और बहुत ही क्लीन नीट है, क्योंकि इतना पेशेंट ज़्यादा है नहीं, डेंगू मलेरिया वाले पेशेंट हैं, इसलिए यहाँ पे क्लीन भी बहुत है। तो अगर आप मुंबई में रहते हैं, अगर साउथ बॉम्बे में रहते हैं, तो आपके सबसे रोगी हैं, सबसे अगर पीड़ित हैं, तो आप यहाँ पे आके और आप आने वाला ही है, देख सकते हैं। बस लास्ट नंबर हमारा ही है आपसे, अब इसके बाद तो अंकल कटे उनके बाद हमारी नंबर है। एक्चुअली इसके पहले में थोड़ी प्रॉब्लम है तो कुछ बोल नहीं पा रही जारी सही से, देख के लग नहीं रहा कि पेशेंट है बट है। हमारा फाइनली दीदी को दिखा के हो गया है सर। अभी पता नहीं देख के कैमरे में ऐसा क्यों मूवी आती है जैसे बहुत ज़्यादा सीरियस है, ऐसा कुछ है नहीं कि सीरियस है ये। हाँ, तो दवाई लेके हमारा हो गया है, अभी हम जा रहे हैं मार्केट, मार्केट में सामान लेंगे, उसके बाद जाएंगे घर और फिर रात में वॉक करने जाएंगे। अभी तो फिलहाल जा रहे हैं फिलहाल मार्केट। और ये रहा मोनोरेल स्टेशन, अभी मैंने दिखाया था आपको लास्ट ब्लॉग में मोनोरेल में कैसे ट्रैवल करना है, मोनोरेल क्यों फेल हो गई, तो ये सामने है। आप आने अगर हमारा ब्लॉग नहीं देखा है तो फटाफट जाओ ब्लॉग देखो हमारा मोनोरेल वाला। A few moments later. गाइस, अभी हम हैं मार्ट में। A few moments later. हमारा सामान लेके हो गया, सो हम भी जा रहे हैं घर। मौसम काफ़ी अच्छा है यहाँ का, हवा चल रही है अच्छी, फिर 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी थी आफ्टरनून में। यहाँ मुंबई में ना आप रात में ही निकल सकते हो क्योंकि यहाँ नाइट में अच्छा है, बाकी डे में तो इतनी गर्मी रहती है कि पूछो मत कितनी गर्मी है, बहुत ज़्यादा A few moments later. ये गिफ्ट देने के लिए अच्छा है, लेकिन देखो ये शिवम के पास है, इसको गिफ्ट दे सकते हैं बट ये कांच का, इसको संभाल के रखना पड़ेगा बहुत।
गाइस तो अभी बज रहे हैं रात के 11 और हम लोग आए हैं वॉक करने के लिए। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने डिनर किया तो अभी आए हैं वॉक करने के लिए। मुंबई में नाइट में निकल के वॉक करो घूमो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लाइटिंग इतनी अच्छी है ना मुंबई की, मतलब वाओ। ऑल जो सिटीज़ हैं इंडिया की वहाँ आप डे में घूम सकते हैं, बट मुंबई एक ऐसी सिटी है ना जो पूरी रात जगमग रहती है, तो आप रात में अच्छे से घूम सकते हैं। अभी हम लोग तो फिलहाल वॉक करने आए हैं खाना खा के, तो चल रहे हैं। मौसम भी काफ़ी सही है, ठंडा है, जितनी ज़्यादा दिन में गर्मी थी उतना ही अच्छा मौसम भी है। गाइस बहुत सारे लोग हैं जो कि खाना खा के सो जाते हैं, बट खाना खा के सोना नहीं चाहिए, थोड़ा वॉक करना चाहिए, उससे हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा सही रहता है वॉक करना। आप ज़्यादा मत चलो लेकिन थोड़ा ही चलो, 200-500 मीटर चलो, बट चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वॉक करना, उससे आपकी फिजिकल जो बॉडी है ना काफ़ी अच्छी रहती है और थोड़ा आप एक्टिव फील करते हो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर गाइस, सो हमारा वॉक करके हो गया है, अभी हम जा रहे हैं घर में, अब जाके सो जाएंगे। आज अपने वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर जरूर कर दें। आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आते रहेंगे इस चैनल में, तो फटाफट जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, जय हिंद।